नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अपने हम ड्रूपल में एंटिटी रेफरेंस का कैसे यूज़ करें। एंटिटी रेफरेंस का दोस्तों अपने ड्रूपल के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि ये हमारा व्यू में भी यूज़ होता है, यह हमारा कंटेंट टाइप में भी यूज़ होता है। कि अगर हम एक मतलब एंटिटी रेफरेंस एक तरीके का रिलेशनशिप ही होता है कि अगर हमें कोई चीज़ रिलेशनशिप में, जैसे अभी इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल लेके ट्राई करेंगे कि इसको देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। कि इस एग्ज़ाम्पल में हम लोग ट्राई करेंगे एक स्टूडेंट और एक ट्यूटर के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। तो एंटिटी रेफरेंस आप ये मिलेगा आपको यहाँ पर मॉड्यूल, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जितनी भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको हम हमेशा की तरह डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम में रख लेंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर। उसके बाद इसको मॉड्यूल्स में देखेंगे, हमको ये रहा हमारा एंटिटी रेफरेंस, जो कि एंटिटी एपीआई या सी टूल्स के डिपेंडेंसी भी है इस पर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसको डाउनलोड करने से पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड करके आप इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आप इसमें मेरे कंटेंट टाइप में, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ जैसे कि कैसे कंटेंट टाइप क्रिएट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले की जो वीडियोज़ की सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ है, इसमें कैसे कंटेंट टाइप क्रिएट करते हैं वो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो कंटेंट टाइप क्रिएट करने के बाद, माने दो टाइप के कंटेंट हमने यहाँ क्रिएट किए हैं, एक ट्यूटर किया है और एक स्टूडेंट किया है। अब उस स्टूडेंट, पहले ट्यूटर देख लेते हैं, ट्यूटर में है क्या। तो मैनेज फील्ड में चलते हैं, मैनेज फील्ड, यहाँ पर ट्यूटर नेम, ठीक है, ऐड करते समय मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया था, उसको टाइटल कर दिया ट्यूटर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूटर नेम आ गया, ठीक, और सब्जेक्ट ट्यूटर और उसका सब्जेक्ट, केवल दो ही यहाँ पर हमने फील्ड लिए। अब स्टूडेंट देखते हैं, स्टूडेंट का मैनेज फील्ड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने टाइटल को चेंज करके स्टूडेंट नेम कर लिया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम आ गया, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, कोर्स कौन सा वो कर रहा है वो आ गया, और किस ट्यूटर को वो असाइन है, ठीक है। तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया एक तरीके का, कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर्स हैं, यानी कि जो उनको ट्यूट करते हैं, यानी ट्यूटर, ठीक है। तो उनके ट्यूटर हो गए, तो हम जैसे ही स्टूडेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पर असाइन कर देंगे कि इसको कौन सा ट्यूटर या कौन सा टीचर क्लास लेगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ ही पर हमें एंटिटी रेफरेंस यूज़ करना है, कि दोस्तों हमारे पास तो जो ट्यूटर का जो कंटेंट टाइप था, हम ट्यूटर उसमें ऐड कर रहे हैं, तो हम, ठीक है, यहाँ पर ट्यूटर ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ फिर ट्यूटर ऐड तो करेंगे नहीं, तो वहाँ ऐड की हुई ट्यूटर की, जो हमने ट्यूटर ऐड किए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, एंटिटी रेफरेंस में। आप ये जैसे ही आप मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे एंटिटी रेफरेंस, तो आपको यहाँ इस ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन मिल जाएगा, एंटिटी रेफरेंस। तो आप इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको, सेलेक्ट लिस्ट चेक बॉक्स या रेडियो बटन या ऑटो कंप्लीट की भी फंक्शनलिटी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट लिस्ट, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, अब यहाँ पर एंटिटी रेफरेंस आ गया। अब एक सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम जाते हैं स्टूडेंट ऐड करते समय, हमने एक स्टूडेंट ऐड किया, ठीक है, स्टूडेंट ऐड किया, ठीक, उसका नंबर कोई रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है, कोर्स, ठीक है, बीए। अब यहाँ पर वो ट्यूटर असाइन करेंगे हम, कि कौन सा टीचर बीए पढ़ाता है या बीए के क्लास लेता है, ठीक है। तो रैंडमली कोई सा भी आप ट्यूटर, जो भी आप, अब यहाँ पर ये जो ट्यूटर की जो लिस्ट आ रही है, ये दोस्तों एंटिटी रेफरेंस का ही कमाल है। कि जैसे हमने कंटेंट टाइप, मैं आपको दिखाता हूँ, अपने कंटेंट में जाके मैंने ये चार ट्यूटर ऐड किए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर
कंटेंट टाइप से फेच करेंगे तो ये रहा हमारा, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये इतने हमारे पास ट्यूटर हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर कंटेंट टाइप इसका ट्यूटर है, तो इसकी लिस्ट ही यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी रेफरेंस। कैसे किया, जब भी हमने कंटेंट टाइप बनाया स्टूडेंट का, तो उसमें जो मैनेज फील्ड थी उसमें एक फील्ड ली एंटिटी रेफरेंस, एंटिटी रेफरेंस में जो फील्ड ली, इसको मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ, एंटिटी रेफरेंस में फील्ड ली, ठीक है, मैं एक आपको एडिट एक ऐड करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक, अब एंटिटी रेफरेंस हम लेंगे, यहाँ पर ले लिया, सॉरी वो एग्जिस्टिंग फील्ड में ऐड कर रहे थे इसलिए लेगा नहीं, ठीक है। तो हमें एक मिनट, ट्यूटर और इसमें हमारा जो एंटिटी रेफरेंस, ठीक है, ये एंटिटी रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पर हमने ले ली सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है, अब इसको आप सेव करेंगे, ठीक है, ये आपने सेव किया, ठीक, टारगेट आपका नोड ही रहेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ये टारगेट बंडल्स आ रहे हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वो ट्यूटर, ठीक है, तो पूरी लिस्ट आपको दिखाएगा, ठीक, ऐड हो गया, अब सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं जहाँ हमारा कंटेंट टाइप है स्टूडेंट ऐड का, ठीक है, वहाँ पर एक और फील्ड आ गई होगी जिसमें सेम ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, ये देखिए हमने ट्यूटर ऐड किया है वहाँ से, तो ये आ गया, ठीक है, जी आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैनेज फील्ड डिलीट, ओके। तो अब हम लोग असाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे, जब तो हम लोग कोमल ऐड कर रहे थे, ठीक है, इसका रेंडमली नंबर डाल देते हैं, कोर्स बी ए, और वो जो टीचर हम लोग इसको असाइन करेंगे, ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। तो ये हो गया एंटिटी रेफरेंस के थ्रू हमने कंटेंट ऐड किया, ठीक है दोस्तों, ये देखिए नाम उसका ऐड हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, ये हो गया, सब हो गया, ठीक है। तो ये था एंटिटी रेफरेंस, और इसमें हम लोगों ने दो कंटेंट टाइप भी बनाए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका व्यू में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऑटो कंप्लीट की फंक्शनैलिटी कैसे दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।